वेलकम बैक टू अनदर दोस्तों, मैं निजाम, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर ना एक चीज़ आपका एक माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ काफ़ी लोग अभी ये अफवाह ये पैनिक फैला रहे हैं कि सितंबर जो अभी मंथ स्टार्ट हुआ, आज 1 सितंबर है, इसके अंदर एक मेगा डंप, बड़ा डंप जो बिटकॉइन को $40,000 तक ले जाएगा, वैसा डंप होने वाला है और ये पूरा महीना से अब बियर मार्केट भी स्टार्ट होने वाला, कुछ ऐसा ही चीज़ें चल रही है। बट आज इस वीडियो के अंदर ना चार्ट को और प्रीवियस हिस्ट्री को देख के हम समझेंगे कि ये मंथ कैसा जा सकता है ना, और क्या चीज़ें हो सकती है बुल रन या फिर अच्छा जो पंप हम जिसको कहते हैं वो कब तक एक्सपेक्टेशन है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बिटकॉइन का भी न्यूज़ भी है, इसके रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट है, बेबी डॉज कॉइन डॉज की भी बारे में बात करेंगे। जी हाँ, तो इसके साथ साथ काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट है, मेक श्योर वीडियो जरूर अंत देखिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, हमारे फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। आज मॉर्निंग में हमने चेन GPT के बारे में वीडियो शेयर किया है कि ये वन ऑफ द लीडिंग AI प्रोजेक्ट हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर $10 तो ईजिली ये टारगेट अचीव कर सकता है, इससे भी बड़ा प्रॉफिट आपको और हमें दे सकता है चेंज GPT। तो मेक श्योर अगर वीडियो नहीं वॉच आउट किए हैं तो जाके वॉच जरूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है। जी हाँ, तो इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें मैंने शेयर किया है, जैसे लाइक दैट मीम फाइ का भी एयरड्रॉप चल रहा है, अभी जो है बूम्स का चल रहा है, अभी कैट का चल रहा है, जानते तो इन सबसे आके जुड़ जाइएगा, टोमो का चल रहा है, टू मार्केट का चल रहा है ना, इन सब से सिर्फ क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, बेबी डॉज कॉइन का चल रहा है ना, इससे कुछ अर्निंग वर्निंग हो जाएगा, लाइक दैट जैसे डॉज से हमें अच्छा प्रॉफिट मिला वैसे इससे भी मिल सकता है। ठीक है, सीधा चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले भाई मैं एक अपडेट को भी लेना चाहूँगा, उसके बाद चार्ट भी हम आई थिंक देख के समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन मस्ट रीच अ हायर हाई टू कन्फर्म अप ट्रेंड आफ्टर डीप बिलो 58K, मतलब $58,000 के नीचे जाकर हायर हाई अगर BTC बनाता है तो ये कंफर्मेशन मिलता है कि अब जो है अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है और बिलो यानी कि $56,000 तक BTC जा सकता है, जो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, जो इस आर्टिकल के ऊपर अगर हम चलते हैं तो ये चीज़ें हो सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मार्कस थेलेन हेड ऑफ रिसर्च एट 10x रिसर्च, जहाँ दोस्तों इनका 10x रिसर्च के पास जो है ये काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसका हेड है, सजेस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट वेट फॉर बिटकॉइन प्राइस टू फॉल इनटू द लो 40,000 टू आइडियली टाइम देयर एंट्री इनटू द बुल रन। इनका कहना है कि फॉल जो आ सकता है वो $40,000 का आ सकता है, आइडियली इसका एक अंदाज़ा है कि $40,000 का एक फॉल आ सकता है, देन हम जो है बुल मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। भाई अब ये इनका कहना है, बट सच्चाई और रियलिटी पास्ट क्या कह रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह का इन्होंने शेयर भी किया इस आर्टिकल के ऊपर, पूरा मेंशन किया, आप आके देखिएगा क्वांट टेलीग्राफ के ऊपर ये आर्टिकल पूरा का पूरा है। बट हम चार्ट की तरफ चलते हैं, डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल है, लो जो इसका सपोर्ट है होडल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, अभी रिसेंट के अंदर कर रहा है, हालांकि पहले ब्रेकडाउन भी हुआ, $48,000 भी गया, डंप आ सकता है, स्किन भी नीचे जा सकता है। बट प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ आफ्टर हालविंग, क्योंकि आफ्टर हालविंग के बाद ये सितंबर का महीना आज 1 सितंबर स्टार्ट हुआ है, हम प्रीवियस चलेंगे, पास्ट के अंदर चलेंगे, थोड़ा सा एक मिनट, ये देखो ये चीज़ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, चलिए तो भाई हम आ चुके हैं पास्ट के अंदर, ये है हालविंग का टाइम, मैंने इसको ऑलरेडी ट्रेंड मार्क मैंने ये चीज़ें कर रखा है ऑलरेडी, मैंने ये प्रीवियस बुल रन का है, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम प्रीवियस बुल रन को ही देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये जुलाई का मंथ था, जुलाई अगस्त का मंथ था, ठीक है, सितंबर का मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है, सितंबर फर्स्ट ये रहा, 1 सितंबर को ठीक ठाक मार्केट रहा लगभग 11,900 और यहाँ पर 11,600 के अराउंड घूमता रहा, बट जो 2 सितंबर ना तगड़ा फॉल आया और BTC जो विग लगाता है 11,188, लेकिन 3 सितंबर को एक और बड़ा मेगा डंप आता है जो सीधा BTC को लेके जाता है 9,947, यानी कि उस टाइम में अगर हम देखें तो लगभग जो है $2,000 का जो है नॉर्मली यहाँ पर डंप आता है, जो कि 11,000 से लगभग 12,000 का विग लगा था वो सीधा लेके जाता है इसको लगभग 10,000 के अराउंड, है ना, तो 2,000 का यहाँ पर डंप देखने को मिला है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें
तो भाई यहाँ पर आया और यहाँ पर से ये एक डंप देखने को मिला। परसेंटेज वाइज भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, 17% का यहाँ पर से एक डंप मिला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इसी सिनेरियो के आसपास बीटीसी ट्रेड करता रहा। देन भैया सितंबर मिड के अंदर 21 सितंबर को फिर एक फॉल आया, लेकिन उस लेवल तक तो नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर ही गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सपोर्ट बना और उसके बाद भाई पीछे मुड़ के नहीं देखा अक्टूबर का मंथ। तो मैं यही चीज बोल रहा था ना, मैं आज से नहीं जून जुलाई से ही बोल रहा हूँ, बस सितंबर तक आप बर्दाश्त करो, उसके बाद अच्छा सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री ये कह रहा है, पास्ट ये कह रहा है। और अभी अगर हम बीटीसी का चार्ट भी देखते हैं तो पास्ट के अंदर सितंबर तक हमें रुलाया है, अक्टूबर का एक हफ्ता भी हमें रुलाया है, हालांकि रुलाया तो नहीं, एक साइडवेज में था, लेकिन उसके बाद 8th of October के बाद भैया बीटीसी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और माय गॉड वाला जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर से अगर एज अ परसेंटेज वाइज भी हम कहें देखें तो भाई यहाँ से यहाँ तक जाता है, जो कि इसका भैया 536% का यहाँ पर टॉप लगता है। हालांकि एक बार फिर से यहाँ पर डंप भी होता है, फिर दोबारा टॉप जो कि ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्लियर किया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बीटीसी जो है अक्टूबर मंथ से एक अच्छा खासा पीक पर करता है और सितंबर मंथ के अंदर 1-2-3 तक एक बड़ा फॉल भी आ सकता है, और मतलब कि 15-16 भी आ सकता है, 20-21 तक यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग पूरा सितंबर एक फॉल आ सकता है, पंप एंड डंप हो सकता है। बट 17% से अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर से ट्रेड कर रहा है वहीं से हम लेते हैं तो भाई 17% कहाँ तक आ रहा है, मैं देखूंगा 17% $48,000, यानी प्रीवियस में ये ऑलरेडी $49,000 का विग लगाया है, $48,000 का विग लगाया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आ सकता है। अगर विग लगता है, हालांकि बॉडी यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है, मैं मान रहा हूँ चलो भाई 17% नहीं डंप होगा भाई, 17% से ज़्यादा, क्योंकि विग लगेगा यहाँ तक आ भाई, यहीं तक ना आएगा, $40,000 तक आए, जो कि ऑलरेडी ये आर्टिकल भी यही चीज़ कह रहा है कि $40,000 तक आ सकता है, जो कि मार्कस का यहाँ पर मानना है, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है 10X रिसर्च के। चलो भाई इसका ही हम कर लेते, लेकिन उसके बाद क्या भाई, उसके बाद क्या क्या उसके बाद एंड द एंड बुल सीजन एंड द एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड द एंड मेगा प्रॉफिट, भाई इसी का इंतजार है। जितना भी हमने 4-3 साल तक जो वेट किया ना, बस एक महीना और, जितना भी बीटीसी डगमगाए, अल्टकॉइन डगमगाए, ब्लीडिंग हो, ऐसा हो, वैसा हो, जैसा भी हो ना, बस बर्दाश्त करके बैठे रहना दोस्त, इसके बाद आपकी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है इस एक बुल रन से। जी हाँ दोस्तों, और मैं भाई एंट्री पे एंट्री बनाए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने एक कॉइन और बाय किया है, और मैं आपको पता है भाई अल्टीवर्स LAI के ऊपर मैं पूरा फोकस कर रखा हूँ, इधर मेंटा, आर्बिट्रम है ना, जाई, इन सबको भाई, ये पांचों कॉइन जो है ना मेरे भाई पोर्टफोलियो का वन ऑफ द लीडिंग जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होने वाला है नए में से, जो मुझे लग रहा है मुझे लीडिंग प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिप्टो हैकर्स सरपास 1.2 बिलियन इन 2024, तो भाई 2024 के अंदर ना हैकिंग भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, $1.2 बिलियन का जो है हैकिंग हुई है, और सेल्सियस जो यहाँ पर जो है रीपे भी करने वाले $2.5 बिलियन के, तो यहां पर इसको भी देख के ना थोड़ा सा मार्केट का कंडीशन आप लगा सकते हो कि सितंबर के मंथ में क्या चीजें यहां पर हो सकती है। बट यहीं पर हम देखें तो एक और बैड न्यूज ये आती है SEC की तरफ से, जी हां दोस्तों, जो कि अगर हम देखें तो NFT जो है उसको कहा गया है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, और इन्होंने समन या नोटिस कह सकते हो भेजा है OpenSea को 28 अगस्त को कि भाई नॉन फंजिबल टोकन एक्सचेंज जो ये है OpenSea, उसके मार्केट प्लेस को कहा है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज। या हालांकि OpenSea के CEO जो कि डेविन है, उन्होंने भाई कहा कि भाई ये बिल्कुल शॉकिंग डिसीजन था और हम बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट है, हम SEC के एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड है, और भाई इसकी इसके हिसाब से तो भाई ये चीज़ें तो होगी, आने वाले टाइम के अंदर नोटिस भेजा, उसका जवाब मांगेगा, अब ये जवाब देंगे है ना, स्टैंड अप टू फाइट, यहाँ पर ये इन्होंने सीधा कहा स्टैंड अप एंड फाइट, हम फाइट करेंगे। और SEC तो भाई चुल करता ही रहा क्रिप्टो के अंदर, अब ये NFT के अंदर आ गया, तो देखते हैं क्या है, ये चीज़ें चलती रहेगी। बट एंड द एंड मैं सिंपल सा मान रहा हूँ ना, जब बुल रन आएगा ना तो ये सब जो है ना न्यूज़ देखना दोस्तों दब जाएगा, ये न्यूज़ ऐसा दबेगा कि हमें और आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कभी ये न्यूज़ भी मार्केट के अंदर फैल रहा था, कभी ये न्यूज भी मार्केट के अंदर चल रहा था, और आज कहाँ गया ये न्यूज़ किसी को अता पता नहीं है। सो दैट बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा और लाइफ को बिल्कुल होडल करके रखिए, अभी लाइफ को होडल करके रखिए, प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, लाइफ को होडल करके रखिए, ताकि एक डिसेंट प्रॉफिट आप जो है अक्टूबर मंथ में ले सकते हैं। डॉज की बात करते हैं तो डॉज काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड कर रहा भाई,
इतना सब कुछ होने के बाद एक ही प्राइस रेंज के अंदर अगर होल्ड कर रहा है तो वाकई में ये काबिले तारीफ है, बिकॉज ऑफ अभी काफ़ी सारे इसकी ही अगर मैं बात करूँ तो डंप आ रहा है ना, पूरा मार्केट हिला हुआ है, डॉज के अंदर भी एयर ड्रॉप सेलिंग जरूर हुआ है, सेलिंग प्रेशर भी बना है, बट उसके बावजूद भी इस प्राइस के ऊपर जो है ये कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो मैं इसलिए मैं भाई पूरा बाई नहीं, पूरा होल्ड सॉरी सेल नहीं किया हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा सेल नहीं किया हूँ। मैं 12 की सीरीज पे ऑलरेडी सेल किया हूँ, आपको शेयर कर दिया, देन 18 की सीरीज पे मैं लगा रखा हूँ 10%, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद मैं पूरा होल्ड करने वाला हूँ, पूरा होल्ड करने वाला हूँ बुल रन तक, क्या पता एक डिसेंट प्रॉफिट हमें मिल जाए। यहीं पे बेबी डॉज कॉइन की बात करते हैं, तो आपने नहीं बाय किया, बाय करना फॉर द 100x, बिकॉज ऑफ 145 मिलियन का इसका मार्केट कैप आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा कम आ चुका है, यहाँ से एक डिसेंट प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, काफ़ी तगड़ा वाला प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ से। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज़ अपडेट थी, आशा करता हूँ कि वीडियो और ये न्यूज़ अपडेट काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि मेगा पंप आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जरूर समझ में आ गया होगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो भी कन्फ्यूज है ना उसकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और हमारे साथ मिलकर होल्ड करे ताकि एक मेगा प्रॉफिट यहाँ पर इस बुल रन के अंदर बनाए और अपनी पूरी लाइफ को चेंज करे। जी हाँ दोस्तों, बाकी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर यार हमारे टेलीग्राम ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सारा न्यूज़ अपडेट यहाँ पर मिलता रहता है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज कितना ही, गुड बाय।